नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मीट्यूब हिंदी में। आज का वीडियो हम उन सभी बहनों आशा कार्यकर्ताओं के लिए बना रहे हैं जो आगे के लिए तैयारियां करना चाहते हैं या अभी जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए, हम पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। अभी डेट 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ चुकी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप यह फॉर्म ज़रूर भरिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन सभी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पेज खोल लेते हैं सबसे पहले जहां से हम अप्लाई करने वाले हैं। यह हमारा अप्लाई पेज है, इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं। उसके पहले हम पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम पूरा देख लेते हैं। तकनीकी शिक्षा विकास श्रम शक्ति भर्ती सेवाएँ और इसकी वेबसाइट है TEDMRS.in। इस पर आप पूरा नोटिफिकेशन अप्लाई प्रोसेस सब कुछ देख सकते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं। पहले यह नोटिफिकेशन 14/9/2023 को जारी किया गया था, जिसकी ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की अंतिम दिनांक 16 से बढ़ाकर अब 31 तक कर दी गई है। इस भर्ती में ट्रेनिंग प्रोग्राम में आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए 3 माह का प्रशिक्षण रखा गया है, जिनका ग्रेजुएशन होना, आयु सीमा 18 से 37 दी गई है। आंगनवाड़ी टीचर, वर्कर, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, इन सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यह एक भर्ती जैसा ही है, उसको आप ज़रूर कीजिए। टीचर के लिए 2 वर्ष का, बाकी के लिए 3-3 माह का प्रोग्राम रखा गया है। 10वीं वर्कर के लिए और आशा कार्यकर्ता के लिए 10वीं पास, टीचर के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ महिलाओं के लिए है, केवल महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। दूसरी चीज़ इसमें है कि शैक्षणिक योग्यता आपकी बता दिया गया है कि अगर आप सुपरवाइज़र के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। टीचर के लिए 12th, बाकी सभी के लिए 12वीं 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी के तौर पर 1000 रुपये जमा करने होंगे प्रशिक्षण के पहले। आप सभी दिशा निर्देश को भली भांति पढ़ लें। संयुक्त आंगनवाड़ी प्रशिक्षण प्रवेश प्रक्रिया 2024 हेतु अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका एक फ़ोटो और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये 2 डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। अब हम समझ लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की पद्धति। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आप वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहले सेक्शन को पढ़ लेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपनी बेसिक जानकारी फिल करेंगे, आप फीस पेमेंट करेंगे और फ़ोटो और सिग्नेचर, ये 2 डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ 50 KB और सिग्नेचर की 20 KB। ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखेंगे। एक बार क्रमवार विधि देख लेते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन, एम्प्लॉय ऑनलाइन पर जाएं, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना, अपनी कैटेगरी के अनुसार शुल्क, अगर आप OBC जनरल से हैं तो 400 रुपये, ST SC से है तो आपको 300 रुपये फीस इसमें दे करना है। उसके बाद में हम देखते हैं बेसिक डिटेल्स। यहाँ पर दिखाया गया है ST SC के लिए 300, जनरल OBC के लिए 400। आपका फ़ोटो कलर फ़ोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में, किसी भी भर्ती के लिए ज़्यादातर ऐसा ही फ़ोटो मांगा जाता है। सामान्य निर्देश देख लेते हैं। केवल भारतीय महिला नागरिक ही आवेदन करें। ऑनलाइन फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरना है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप हमसे नंबर हम प्रोवाइड कर देते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम ऑनलाइन आपको फॉर्म भर के दे देंगे। प्रारंभिक तिथि 14/9 से स्टार्ट हुआ है, अभी डेट को बढ़ाकर 31/10/2023 कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/10/2023 है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सहायता केंद्र आपको हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर दिया गया है, एक दूरभाष नंबर दिया गया है। अगर आपको कुछ भी समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एक हमने चैनल बनाया है, उस पर आप इंस्टाग्राम पर हमें हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। हम ऐसे ही जानकारियां उस पर लेकर आते रहेंगे और आपको लेटेस्ट जानकारियां देते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद